हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रसोई दिल से। मैं कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन। जी हाँ, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली हुई है कैबेज, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया। इसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी जो कैरेट और कैप्सिकम सब ग्रेट कर ली थी। मैंने लिया हुआ है मैदा, उसमें मैंने डाला है 2 स्पून करीब कॉर्नफ्लोर। उसके बाद मैंने ऑनियन को कट करके रखा था, तो मैंने ऑनियन को डाला है। जिंजर गार्लिक डाला हुआ है, ये मैंने डाला हुआ ग्रीन कैप्सिकम। उसके बाद मैंने डाले हुए कैरेट, उसके बाद मैंने कैबेज गोभी डाली हुई है। सारी सब्जियों को डाल दिया था और ये मैंने सभी को ग्रेट कर लिया था ग्रेटर की हेल्प से। आप बारीक भी कट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और हम इसे अच्छे से बना लेंगे। और इसमें बिल्कुल भी आटा जैसा गूंथने के लिए आप बिल्कुल भी पानी का यूज़ ना करें, बिकॉज जो वेजिटेबल हैं वो अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेंगी, उसी में जो हमारा आटा है वो बाइंड हो जाएगा। और यदि आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है, तो आप थोड़ा सा मैदा या कॉर्नस्टार्च मिला सकते हैं। बट यदि आप थोड़ी देर पहले सब्जी को ग्रेट करके रख देंगे, तो जो का एक्स्ट्रा वाटर होगा वो रिलीज़ हो जाएगा, तो वो ज़्यादा वाटर को रिलीज़ नहीं करेंगी। ये देखिए, जो हमारा सॉफ्ट आटे की तरह हमने जो बना लिया है मिक्सचर, वो एक तरफ हमने बना के रख दिया और बिल्कुल रेडी है हमारा मंचूरियन बनाने के लिए। अब इसमें हम थोड़े से मसाले और डालेंगे, जैसे हमने इसमें डाला है बहुत सारा धनिया, हरा फ्रेश धनिया डाला है। धनिया डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और हरी मिर्च। मुझे लग रहा था कि थोड़ा हरी मिर्च कम रह जाएगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च को और डाल दिया है। इसके बाद हम इसे और अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, जिसमें कि हमारा धनिया और हरी मिर्च अच्छी तरह से जो आटा है उसमें मिल जाए। ये देखिए, अच्छी तरह से हमारा जो मिल गया है, जो इसका मंचूरियन बनाने का जो मिक्सचर है। इसमें मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, आप अवॉइड भी स्किप भी कर सकते हैं। अब मिलाने के बाद मैं देखिए, थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया है, हाथ को गीला किया हुआ है, और मंचूरियन के जैसे ये देखिए बाउल टाइप का मंचूरियन बाउल्स बना के मैंने एक के बाद एक मंचूरियन बाउल्स को बना के रख लिया है। जिस तरीके से हम लड्डू बनाते हैं, जिस तरीके से हम कोफ्ते बनाने के लिए गोल करते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस से जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, उस तरीके से आप जो सारा मिक्सचर है उसकी बाउल बना के रख लेंगे। इकट्ठा आप पहले से बना के रख लीजिए। ये देखिए, आपको ना ही किसी प्रकार के ऑयल घी ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हैंड को। सारे मंचूरियन बॉल्स बन चुके हैं और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। और देखिए, इसमें जैसे ही तेल गर्म होने लगा है, तो मैं इसमें एक एक करके मंचूरियन के बॉल डालूंगी। देखिए, हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो, और वन बाय वन जो सारे मंचूरियन बॉल्स बनाए हुए हैं उनको हम तेल में डाल देंगे। और कुछ नहीं, हमको डीप फ्राई करना है, जिस तरीके से हम पकौड़ी को या कोफ्तों को डीप फ्राई करते हैं, उस तरीके से हमें डीप फ्राई करना है। देखिए, एक तरफ से नीचे से हो गए हैं हमारे मंचूरियन बॉल्स, तो हम इन्हें अब क्या करेंगे, पलट देंगे। इनको मंचूरियन बॉल्स को होते होते कम से कम 1 से 1.5 मिनट हो गया। ये देखिए, हम पलटेंगे तो इसका जो नीचे से कलर है वो हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जो गैस की फ्लेम है उसे मैंने कर दिया है स्लो, जिसमें कि जो हमारे मंचूरियन के बॉल हैं वो ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्प हो जाएँ और अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएँ। यदि हम अपनी गैस की फ्लेम को हाई या मीडियम पे करेंगे, तो हमारे जो मंचूरियन के बाउल्स हैं वो ऊपर से तो हो जाएंगे, बट अंदर से हमारे कच्चे रह सकते हैं, बिकॉज इसमें मैदा भी डला हुआ है, इसलिए इसे अंदर तक अच्छी तरह से पकाना ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने बार बार चलाते हुए ठीक तरीके से डीप फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए, हमारे जो मंचूरियन बॉल्स हैं उनका कलर्स भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर ऑल्सो, ओके। और आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें हमारी चैनल को। ये देखिए, जो आपको मंचूरियन बाउल्स का कलर है ना, वो बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट दिखने लगा होगा। जो सिकने के बाद बाउल्स होते हैं वो हल्के भी हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने निकाले, उसके बाद मैंने लिया है ग्रेवी के लिए जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली अनियन, इसे बारीक कट कर लिया। कैबेज गोभी, इसको भी कट करके रख लिया है। इसके बाद मैंने लिया है कैरेट, और बस मेरे पास ग्रीन चिली ग्रीन प्याज नहीं थी, हरी प्याज नहीं थी, और ये मंचूरियन के बाउल्स जो मैंने सेक के रख लिए, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। आपके पास हो तो डाल सकते। कढ़ाई गर्म की, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली डाल दी और उसे सॉटे कर दिया है। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ऑनियन। ये देखिए, मैंने ऑनियन डाली और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे किया हुआ है, और इसे अच्छी तरह से सॉटे करेंगे जब तक कि हमारे ऑनियन का किसी सॉफ्ट ना हो जाए।
एक से 1.5 मिनट में जो हमारी अनियन है वो हल्की सी सॉफ्टना स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद हम बाकी की जो वेजीज है उन्हें ऐड करेंगे। आप जानते हैं कि जो मंचूरियन में ज़्यादा वेजीज को नहीं पकाते, ये देखिए कलर चेंज होने स्टार्ट हो गया है हमारी अनियन का। अब इसमें डालेंगे कैबेज, हमने कैबेज डाल दी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैरेट, आप ग्रीन कैप्सिकम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मैंने इसमें सॉटे किया है, ऐसे अच्छे से चलाया और गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे कर दिया है, अब जिसमें हमारी जो सब्जी है वो अच्छी तरह से पक जाए। और कुछ नहीं, हमें आधे से 1 मिनट ही सब्जी को सॉटे करना है और उसके बाद हम इसमें जो सॉसेस होते हैं वो डालना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए जो हमारी सब्जी है वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है और इनको हम अच्छे से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। और मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए तो चलाती नहीं गई थी, इसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। इसके बाद हम इसमें सॉस डालेंगे, ये मैंने विनेगर लिया हुआ है, विनेगर के बाद मैंने सोया सॉस लिया हुआ है। सोया सॉस लेने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डालने के बाद इसमें टमाटो केचप डालेंगे, आप रेड चिली सॉस का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को मिला दूंगी अच्छी तरह से, जिसमें कि जो हमारी जो हमने सॉसेज डाले हुए हैं वो हमारे पूरी वेजीज में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें वाटर, मैंने आधे गिलास करीब पानी डाला, उसके बाद आधे गिलास करीब पानी और डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिला चलाया है और गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम पे, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छी थिक हो जाए, क्योंकि हम ग्रेवी मंचूरियन बना रहे हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा और इसमें कॉर्नस्टार्च डाला हुआ है और इसके बाद मैंने डाल दिया जो मैंने मंचूरियन के बॉल्स बनाए हुए थे, उनको डाल के अच्छी तरह से चला दिया है और 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाएंगे, जिससे कि जो हमारे मंचूरियन के बॉल्स हैं वो ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लें और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए हमारे मंचूरियन बनके तैयार है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग रसोई दिल से।